हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेक्चर से स्टार्ट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 26। So in this question, the data given is the following information is given to you. So we are given gross profit ₹108. So data आपको दिया है रुपीज हैं आपके lakhs में. Shareholder funds ₹600. GP margin is 25%. देखो gross profit दिया है, gross profit ratio दिया है 25%. तो यहीं से हमारा question start हो जाएगा. एवरेज डेटर्स का पीरियड है 20 डेज, करंट रेशो 1.5 टाइम्स है, रेशो क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, टोटल एसेस टर्नओवर रेशो 0.3 टाइम्स, रेशो क्लोजिंग इन्वेंट्री टू टोटल सेल्स, रेशो लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी 80%। सो यूज 360 डेज पर ईयर फॉर कैलकुलेशन एंड फाइंड द फ्लोइंग फिक्स्ड एसेस टर्नओवर, कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश, तो कुछ आइटम्स हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले रुपीज आप मेंशन कर लीजिए, ये आपको दिए हैं लैक्स में। सबसे पहले आपके पास है जीपी रेशो, किसी के जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, दिस रेशो इज 25%। जीपी आपको दिया है 108, जीपी इज 108 अपॉन सेल्स इनको 100 = 25, तो उससे आपकी सेल्स आ जाएंगी 432। उसके ऊपर आपका जीपी आ जाएगा 108, विच इज गिवन बैलेंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 324। सेकेंड वी आर गिवन रेशो क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स, जिससे आप क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स को टोटल सेल्स आर 80%, तो आप कर लीजिए 80% ऑफ टोटल सेल्स, देखिए 432। सो वी आर गेटिंग क्रेडिट सेल्स जैसे 345.6, इससे आपके डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। डेटर्स हमें कलेक्शन पीरियड दे रखा है जिसे 20 डेज के डेटर्स हैं, तो इतनी क्रेडिट सेल्स हैं 345.6, इनका पीरियड है 20 डेज, टोटल पीरियड है 360। सो इनको 20 / 360 जैसे 19.2 इज अवर गैकर्स। सो गैन वी आर गिवन टोटल एसेस टर्न ओवर रेशो, तो से टोटल एसेस आ जाएंगे, टोटल एसेस से टर्न ओवर ये जो सेल्स अपॉन टोटल एसेस, सो जैसे जो गिवन को भी 0.3, तो यू गेट टोटल एसेट्स, सेल्स आपके 432 / 0.3। तो किसी कमी को भी 1440। तो कैन वी हैव रेशो क्लोजिंग इन्वेंट्री टू टोटल सेल्स, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक टू टोटल सेल्स, तो जैसे ये गिवन को भी 1/5 times, इट मीन्स इसके आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सेल्स हैं आपकी 432 × 1/5 = 86.4।
नेक्स्ट वी आर गिवन क्रंच रेशो, फिर एक आपको दिया रेशो लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट को और इक्विटी आपको दे रखी है। शेयर होल्डर फंड दिए हैं पहले, शेयर होल्डर फंड से जिसे जीवन जिसे जो 600, एक में ये बन जाएगी आपकी नेटवर्क। फिर आपको रेशो दिया है लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी 80%, यानी कि डेट टू इक्विटी, इक्विटी मीन्स नेटवर्क जिसे कि 80%, उससे डेट आ जाएगा आपका 80% ऑफ 600 480। और अभी टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट की थी 1440। तो अब आपको पास है करंट रेशो 1.5। देखिए ये करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज, तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं वकील वैल्यू करंट कैसे कहेंगे करंट लाइबिलिटीज। लेकिन बैलेंस शीट की क्वेश्चन देखें तो बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटी साइड में हमारा डाटा है, सबसे पहले है नेटवर्क यानी कि डेट एंड करंट लाइबिलिटीज। तो नेटवर्क लीजिए 600, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डेट लीजिए 480, तो करंट लाइबिलिटीज अभी आपकी मिसिंग है। जब भी है टोटल एसेट्स 1440, देखिए इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, इससे आपकी बैलेंस फिगर आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज। इट मीन्स करंट लाइबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नेटवर्क माइनस डेट। सो दिस वन इज कमिंग 1440 माइनस 1080 360। अब हमें करंट रेशो दिया है 1.5, को सी एल है आपकी 360, तो उससे करंट एसेट्स आ जाएंगी 360 इंटू 1.5, तो जिसे कमिंग को भी 540। अब एसेट साइड में आपकी हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हैं 540, बैलेंस आ गई आपकी फिक्स्ड एसेट 900। इट मीन्स एफ ए की वैल्यू आ गई टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स जिसे ऊपर 900। अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेकेसी प्रॉब्लम 27, किसने जो को डाटा दिया है द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू एक्ट 31 मार्च 2022 फॉर ए कंपनी, करंट रेशो गिवन, लिक्विड रेशो गिवन, नेट फिक्स कैसेस आर गिवन, वर्किंग कैपिटल गिवन, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसएसआर नील, मेक ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स एंड मैच इट विद फिक्स्ड एसेट्स एंड मैनी डिटेल्स ऑफ करंट एसेट्स एंड नेट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो इसको पहले बैलेंस शीट का एक आइडिया लेते हैं, तो आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स, प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं शेयर होल्डर फंड्स। इट मीन्स फर्स्ट आइटम है जो प्रोप्राइटरी फंड्स, देखिए आसो कहा जो नेटवर्क, ये आपको फाइंड आउट करने है। सेकेंड है फिर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन और डेट, डेट दे आर सेम गिसिंग नील, देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज। तो ऐसे साइड में देख लिया आपके पास हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये आपको ले रखी है जैसे जो 180,000, तो डेटा आपका है रुपीज में, देन वी आर गिवन वर्किंग कैपिटल जिसे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 60,000, देन वी हैव करंट एसेट्स, को करंट एसेट्स का डाटा नहीं है। अब आपको फर्दर डाटा मेंशन किया है जो करंट लाइबिलिटीज का ब्रेकअप है, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी आपकी आ जाएंगी अगर करंट लाइबिलिटीज। प्रोप्राइटरी फंड्स में आपकी दो चीज़ें आ जाएंगी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, आपको देखो रिजर्व एंड सरप्लस लिया है जैसे जो 40,000, सो शेयर कैपिटल इज मिसिंग। ओवरड्राफ्ट आपको दिया है ओवरड्राफ्ट लीजिए 10,000, सो अगर करंट लाइबिलिटीज आपकी मिसिंग है। देखो स्टार्ट करके वर्किंग कैपिटल लिया है, आपको दिया है करंट रेशो 2.5, यानी कि गिवन है लिक्विड रेशो, देखिए कहा कुछ रेशो
This is your quick ratio. You can say given go by 1.5. फार्मा अप्लाई करके करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो सी ए इज इक्वल टू 2.5 सी एल. तो सी ए की वैल्यू इसमें बुक कर रखी है वर्किंग कैपिटल में. इट मीन्स वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2.5 सी एल माइनस सी एल इज इक्वल टू 60,000. सो 1.5 सी एल इज इक्वल टू 60,000. तो इससे आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 40,000. तो करंट कैसेट्स आ जाएंगी आपकी, तो 2.5 × 40 1,00,000 रुपीज. फिर आपको दिया लिक्विड रेशो, जिसे जो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1.5. तो इससे आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी. सो क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट लाइबिलिटी 40,000 × 60,000. तो करंट माइनस क्विक किसी के स्टॉक इन्वेंट्री जिसे जो 40,000. तो हम बुक कर सकते हैं करंट एसेट्स का ब्रेकअप कर लीजिए, स्टॉक है आपके पास एंड जो क्विक एसेट्स. सो स्टॉक ही कमिंग 40,000, क्विक एसेट्स आर 60,000. सो टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके जिसे जो 280. तो करंट लाइबिलिटीज हैं टोटल आपके पास 40,000 माइनस ओवर क्या बैलेंस इज 30,000. बस अब आपके नेटवर्क आ जाएगी. यू कैन सी बैठे नेटवर्क प्रोवाइडर पॉइंट्स एक ही टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि डेट आपका 0 है. टोटल एसेट्स हैं 280, करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 40, जिसकी कमिंग 240. इसमें से रिजर्व हैं लेस रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस इज शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 40,000, बैलेंस इज शेयर कैपिटल 2,00,000. तो जिस यू कैन राइट शेयर कैपिटल इज 2,00,000. तो किसी ओवर प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट प्रोप्राइटर फंड से तो आप वेरीफाई कर सकते हैं प्रोप्राइटर फंड्स आर इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जिसे 280. नेक्स्ट में लेके चाहिए प्रॉब्लम 28. इसमें आप देखिए डेटा हमें मेंशन किया है, यूजिंग ऑफ लोइंग डेटा ऑफ फाइंड एज मेनी आइटम्स एज पॉसिबल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर. रुपीज आपके हैं लैक्स में, ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया है 540, शेयर होल्डर फंड्स हैं 4,000, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है 30%, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल 80%. तो इसमें भी जो कुछ जीपी दिया है उसकी रेशो दिया है उससे इससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. शेयर होल्डर फंड्स आपको दिए हैं तो लेटेस्ट स्टार्ट रुपीज आर इन लैक्स. सो फर्स्ट अप्लाई जी पी रेशो, ये जी पी अपॉन सेल्स टाइम्स 100. जी पी रेशो आपको दे रखी है कि जी पी है 540, सबकी सेल्स मिसिंग है इनको 100, तो जी पी रेशो इज गिवन 30%. सो यू विल गेट योर सेल्स 540/30%, 1800. उसमें से लेस कर लीजिए जी पी जिसे जो 540, बैलेंस है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हो 1260. तो कैन यू आल्सो गिवन क्रेडिट सेल को टोटल सेल 80%, आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 80% ऑफ टोटल सेल्स 1800 1440. अगेन टोटल एसेट टर्नओवर बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर जिसे इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स 0.3. तो इससे आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगी, सेल्स आर 1800 डिवाइडेड बाय 0.3 डेटली कमिंग 6,000. इन्वेंट्री टर्न ओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट, सो स्टॉक टर्न ओवर रेशो कॉस्ट के बेस पर है सी ओ जी एस अपॉन स्टॉक. तो इससे एंड जिस रेशो इज गिवन स्टॉक टर्न ओवर रेशो 4 times, तो इससे आपका स्टॉक आ जाएगा. सो सी ओ जी एस 1260 डिवाइडेड बाई 4 315.
देन एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज, तो उससे डेटर्स आ जाएंगे आपके, डेटर्स विल बी ऑन क्रेडिट सेल 1440, और उनका जो कलेक्शन पीरियड है जिसे जो 20 डेज, टोटल डेज आपको दिए 360, जिसे कमिंग 80। देन वी हैव लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, डेट आ जाएगा, इक्विटी है आपके पास, इक्विटी आपको दे रखी है, यानी कि डेट टू इक्विटी, जिसे इज गिवन टू बी 40%। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स, जिसे गिवन डेट इक्विटी रेशो में इक्विटी होती है आपकी नेटवर्क, जिसे गिवन 4000, तो उससे डेट आ जाएगा आपका, सो 40% ऑफ 4000, 1600। अब आपको करंट रेशो भी है 1.8, करंट एसेट्स मिसिंग है आपकी, करंट लाइबिलिटीज आपकी मिसिंग है, तो देखो बैलेंस शीट इक्वेशन देखते हैं, लेकिन सी बैलेंस शीट, उसमें डेटा पुट करते हैं, रुपीज लैक्स में चल रही हैं, सो सबसे पहले है आपके पास नेटवर्क शेयर हो गया पॉइंट्स 4000, लॉन्ग टर्म डेट आपने कैलकुलेट कर लिया है 1600, देन वी आर लेफ्ट विद करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी, करंट एसेट्स हैं एंड टोटल एसेट्स वी हैव, सो टोटल एसेट्स आर 6000, विच इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज 6000, इट मीन्स इससे आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी मिसिंग, जैसे जो 400, सो वी कैन सी करंट लाइबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज माइनस नेटवर्क माइनस डेट। अब करंट रेशो आपको दी है, सो करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, सो दिस रेशो इज गिवन 1.8, उससे आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी 1.8 × 400, 720 बैलेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स इज 720, सो व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, दिस इज 6000 माइनस 720, जैसे 5 × 8 0, एंड किसी अबर बैलेंस, ये इसका नॉर्मल क्वेश्चन हम ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेके सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम 29, उसमें देखिए देखा गया कि कैपिटल ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड इज एज फॉलोस, 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹3 लाख, इक्विटी शेयर ₹1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 270, इक्विटी डिविडेंड पे 20%, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो 40 रुपीज, डिटरमिन EPS एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो देखो एक को आपको दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसे जो रुपीज में है डेटा आपका 3 लाख, देन इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹10, कैपिटल इज गिवन 8 लाख। फिर आपको एक इनकम स्टेटमेंट दी है, देखिए हम इनकम स्टेटमेंट देखें, डाटा है रुपीज में, आपको दे रखा है इसमें पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे ये 270। अब इसमें से पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसे कि 9% ऑफ 3 लाख 27000, बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो जिसमें जो कमिंग को भी 253000, लेस कर लीजिए आप इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड पे 20%, तो ये हम पे करेंगे 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल ₹1 लाख, जिसे जो 160, बैलेंस इज रिटेन जो प्रॉफिट, बिके 93। नाउ यू आर आस्किंग, यू हैव टू कैलकुलेट, और एक आपको मार्केट प्राइस लिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन 40 रुपीज, तो आपको कैलकुलेट करना है EPS एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो EPS का फार्मूला होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी होता है आपका पैक माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज 253,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई ₹10,80,000 दिस इज अवर ई पी एस। 253,000 डिवाइडेड बाई 80,000 दिस इज कमिंग ₹3.1625। फिर आपको फाइंड आउट करनी है प्राइस अर्निंग रेशो जिस इज पी ई रेशो, तो जिस रेशो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टू ई पी एस। तो एम पी एस देखो आपको दे रखा है 40, ई पी एस आपकी 3.1625। तो जिस 40 डिवाइडेड बाई 3.1625, तो जिस रेशो की कमी 12.648 times, तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं 12.65 times। तो ई पी एस आपकी रुपीज में है, प्राइस अर्निंग रेशियो है आपकी 12.65 times। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की रेशो के ऊपर, और ये प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।